ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जिस गाड़ी के अंदर लेस्टर लॉक था, उस गाड़ी को लेकर हम लोग आ गए थे सीधा लॉस सैंटोस बैनी के गैराज में। और यहां पर आकर ना गाइस बैनी ने उस गाड़ी के जो पीछे वाले दोनों डोर थे ना, उनको लेजर ड्रिल मशीन से काट कर हटा दिया था, जिस वजह से लेस्टर गाड़ी से बाहर आ गया था। और गाड़ी से बाहर निकलते ही लेस्टर निकल गया सीधा अपने न्यू सीक्रेट बेस के लिए, जो कि बेलास गैंग के अड्डे के पीछे था। क्योंकि लेस्टर को पता था कि इस टाइम पर वो भाई लॉस सैंटोस में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और वो जो उसका सीक्रेट बेस है वो तो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। और वहां पर जाकर ना गाइस उसने कंप्यूटर में थोड़ी बहुत रिसर्च करी, और उसे तुरंत पता चला कि जो FIB ऑफिसर्स उसको अरेस्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं ना, वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं। उनका प्लान है लेस्टर को पकड़कर उसे मार देना प्रिजन के अंदर। और इसी चीज को करने के लिए उन्होंने ना दूसरी कंट्री से कुछ स्पेशल बंदे बुलाए थे, जो लोग आए थे लेस्टर को स्पेशली मारने के लिए। बट सीन ये हुआ कि लेस्टर को पहले ही पता चल गया, लेस्टर ने पूरा का पूरा प्लान हमें बता दिया। तो FIB वाले बंदों ने एक अड्डा बना रखा था जहां पर वो उसे पकड़ने वाले थे। तो जल्दी से हम लोग वहां पर गए, काफी तगड़ी तगड़ी फोर्स थी दूसरी कंट्री की, उन्हें जैसे जैसे मारकर हम लोग ने उनका जो प्लान है वो कैंसिल करवा दिया। और हम लोग उनकी जो गाड़ियां थी ना वो भी लेकर आ गए हैं इस टाइम पर सीधा लॉस सैंटोस में। बाकी यार अभी ना दोनों की दोनों गाड़ियां जो है काफी ज्यादा गंदी हो गई है। मैंने तो फिलहाल अपनी ये मस्टैंग ले लिया है, और ट्रेवर ये चला रहा है लैम्बोर्गिनी SVJ 63। बाकी टैब चलाने में मस्त हो रखा है। अभी जल्दी से एक काम करते हैं, इन गाड़ी को लेकर निकलते हैं सबसे पहले सीधा अपना जो शोरूम है वहां पर गाड़ी की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, ताकि कोई भी इन गाड़ियों को पहचान ना पाए। बाकी ड्राइवर जल्दी कर, क्या कर रहा है। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर जो अपनी गाड़ी से नीचे उतर चुका है, इतनी देर से ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा शोरूम के लिए। बाकी यार अभी ना फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अपने कपड़े भी बदल लेने चाहिए, मतलब मुझे नहीं हम दोनों को ही, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग यहाँ पर प्रिजनर गार्ड्स की ड्रेस पहन कर बैठे हुए हैं, और जितने भी FIB ऑफिसर है ना उनको भी हमारे ऊपर साफ शक है। तो सीधी सी बात है, कपड़े बदलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यार ये जो अपनी मस्टैंग GT है ना भाई, इतनी ज्यादा फास्ट कार है मैं क्या बताऊं, बड़ा यार लैम्बोर्गिनी SVJ भी कमाल की है। बाकी ट्रेवर ना मेरे को लग रहा है पूरी गाड़ी का नाश मार देगा, देख रहे हो कैसे चला रहा है, पूरी मतलब एकदम ना मैक्स गियर पर डाल के चला रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी तेज रेस देता ना ये, देखो कितनी तेज आ रहा है। अगर मैं ब्रेक ना मारूं ना ये मेरे को ही ठोक दे। बट कोई नहीं यार, अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा शोरूम। काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार सच्ची में मस्टैंग GT को चलाने में। ओ ओ ओ ओ आराम से भाई, बहुत तगड़ी स्पोर्ट्स कार है ये। ओके तो ड्राइवर को देखता हूँ भाई, वो अगर आएगा तो सीधा मेरे को पार कर जाएगा, मुझे कन्फर्म पता है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर और मैंने ना शोरूम तक पहुंचने की एक छोटी सी रेस लगा लिया है। बाकी ड्राइवर इतने गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसके चक्कर में ना गाइस मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी से अपनी गाड़ी में आगे लेकर चलता हूँ। ये देखो भाई वो तो अपना सीधा निकल गया, मेरी गाड़ी कहाँ पर पहुंच गई थी, बट अच्छी बात यह है कि सही टाइम पर सीधी हो गई। बाकी यार सच्ची में लैम्बोर्गिनी SVJ 63 का ना पिकअप बहुत ज्यादा तगड़ा है, अपनी मस्टैंग की स्पीड कम नहीं है, बट हाँ यार इसका जो ये एक फीकी पड़ जा रही है इस टाइम पर SVJ 63 के सामने। बट कोई नहीं, अभी जल्दी से ना यहाँ पर इसको पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है। अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी को मैं राइट लेता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रॉन्ग वे जा रहा हूँ, शिट यार मेरे को सीधा जाना था और मैं गलती से ना अपनी गाड़ी को राइट ले लिया। यार मेरे को ना मैप में ना वे पॉइंट सेट कर लेना चाहिए था, वरना यार अभी ये जो रेस है ना मेरे को लग रहा है मैं ट्रैवर से हारने वाला हूँ। एक सेकंड रुक जाओगे, इस ट्रैवर अपना सीधा घूम के आ रहा है, मैं यहाँ से ना एक प्यारा सा शॉर्टकट लेके थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ और ट्रैवर से पहले पहुँचने के लिए भैया यही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रेस वेस लगती है ना तो भाई ट्रैवर पूरा ही पागल हो जाता है। आपने देख लिया होगा वो कैसे ड्राइव कर रहा है। ओके तो यहाँ पर अभी फिलहाल मेरी ये जो मतलब गाड़ी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और जब भी मैं इसमें ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, ये बहुत तगड़ी स्किट दे रही है। तो बिना इसलिए मैं थोड़ा संभाल के चलाऊंगा। और फाइनली यार हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर पहुँच चुके हैं सीधा शोरूम में। तो भी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर ऊपर लेकर चलता हूँ, देखता हूँ ड्राइवर आया या फिर नहीं आया। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रह गया, कहीं ऐसा ना हो कि यार रेस के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया हो। वैसे नहीं यार, ड्राइवर का एक्सीडेंट नहीं हो सकता भाई, वो बहुत गलत गाड़ी चलाता है। चलो छोड़ो यार उसको, वो अपना आता रहेगा। वैसे यार उसको अपने शोरूम का रास्ता पता भी था या फिर नहीं, तो चलो 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 ड्राइवर आ गया, मेरे को उसकी गाड़ी नीचे नजर आ गई है। और वो देखो भाई सब कहाँ लेकर जा रहा है, एक सेकंड। ओके तो उसे शोरूम दिख गया है, अभी वो जल्दी से अपनी गाड़ी घुमा कर लगा, रेस यहीं तक की होनी थी। और गाड़ी देखो यार वो कहाँ तक लेकर चला गया। तो चलो यार अभी ना फिलहाल अपनी गाड़ी मैं यहीं पर खड़ी करता हूँ। बाकी यार मैं हमेशा इसका फर्स्ट गंदा कर देता हूँ, बट कोई नहीं अभी फिलहाल बैनी मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं ऊपर वाले फ्लोर पर चलता है, क्या पता बैनी वहां पर हो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चलकर देखते हैं कि बैनी वहां पर है या फिर नहीं है। बाकी यार देखो जब से मैंने अंडरवाटर माफिया और बिग माफिया के भाई का जो नया वाला शोरूम है ना लग्जरी ऑटोस, उसको देखा है ना भाई, तब से मुझे अपना शोरूम गंदा लगने लग गया है। मतलब क्या देखो अपना शोरूम ना बहुत ज्यादा बड़ा है, देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट दिक्कत यह है कि यार ये ना एक गांव में है जहां पर यार दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, व्यू काफी ज्यादा अच्छा मिलता है, बट यार ये जगह उस हिसाब के लिए बेस्ट नहीं है। मतलब क्या यार यहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ी वाड़ी भी नहीं आती जाती, बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, जो चीज है उसी में खुश रहना चाहिए। बट हाँ यार जो उनका शोरूम है ना भले ही छोटा है, बट लॉस सैंटोस की मेन सिटी में है, तो मेरे
मेरे हिसाब से उनकी तो बहुत ज्यादा गाड़ियां बिकती होगी। वैसे अगर देखा जाए तो अपनी भी सारी की सारी गाड़ियां बिक चुकी है, मतलब जितनी भी फरारी आई थी गाइस वो सारी की सारी सेल हो गई है। और वैसे भी सीधी सी बात है, जब तक बैनी अपने साथ है ना तब तक सारे बंदे हमसे ही गाड़ियां खरीदने वाले हैं, क्योंकि बैनी बहुत तगड़ी मॉडिफिकेशन करता है गाड़ी में। बाकी तो यार अभी फिलहाल यहाँ पर तीन ही रॉल्स रॉयस बची है, तो चलो यार अभी फिलहाल लामार यहाँ पर खड़े होकर गाड़ी की डील कर रहा है। बट बैनी ओके, तो बैनी यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो चलो यार अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं। और बाकी शायद से ना आज जिमी भी जो है शोरूम में नहीं आया हुआ, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां बची नहीं है, लामार अकेले हैंडल कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग बैनी से बात करते हैं और इसको बोल देते हैं वो जो गाड़ियां उन्हें मॉडिफाई करने के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात हो चुकी है। बाकी यार बैनी कह रहा है कि गाड़ियां बिक नहीं रही है, तीन चार गाड़ियां जो है ना गाइस अपने शोरूम से चोरी हो चुकी है। मतलब कि पहले भी एक दो गाड़ियां चोरी हुई थी, बट अभी ना फिलहाल तीन चार गाड़ियां जो है आज तो मेन जगह से चोरी हो गई है। पहले जो हमने बाहर खड़ी हुई करी हुई थी ना वहां से चोरी हुई थी, पता नहीं यार कौन है चोर जो कि यहां से गाड़ियां चुरा कर ले जा रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मतलब जो लॉस सैंटोस है ना वहां पर खतरा है, क्योंकि वहां पर अलग अलग गैंग्स है, तो मुझे लग रहा था यहां पर अपना मामला ठीक रहेगा, यहां पर अपनी गाड़ी वाड़ी चोरी नहीं होगी, इसलिए ओपन में खड़ी कर दी थी। बट अभी फिलहाल वहां से भी गाड़ियां चोरी हो चुकी है। बट कोई नहीं यार, अभी जल्दी से नीचे चलते हैं, अब देखते हैं यार क्या सीन है। बाकी मेरे हिसाब से ना ट्रेवर भी आ चुका है, क्योंकि ये जो गाड़ी का साउंड आप सुन पा रहे हो ना ये लैम्बोर्गिनी एसवीजे 63 है। बाकी यार देखो बैनी बेचारा कितना ज्यादा परेशान रहता है, कल के दिन हमने इसे सीधा लॉस सैंटोस बुला लिया लेस्टर को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए, और आज बेचारी ये थोड़ी देर के लिए ऊपर सोडा पीने गया था, उसमें भी हम लोग आ गए इसे डिस्टर्ब करने, और अभी इसको सीधा लगा दिया काम पे गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने के लिए। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए बैनी को जो है छुट्टी दे देंगे, ताकि यार ये भी अपना रेस्ट कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी की मॉडिफिकेशन करना ही बंद कर दे अगर इसको गुस्सा चढ़ जाए तो। बट ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यार इसने ना थोड़ी सी धोखाधड़ी करी, इसने लॉस सैंटोस में जो अपना गैराज है उसको शोरूम बना रहा है भाई, मतलब। बट कोई नहीं, अभी ये फिलहाल अपने साथ ही काम करने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यार देखो ट्रैवर भी यहाँ पर आ चुका है, तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियां जो है हम लोग यहाँ पर वॉश करवा लेते हैं रिपेयर। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैनी जो है कार की मॉडिफिकेशन करने में लग गया, और गाइस यार ये कह रहा है कि जो दोनों गाड़ियां है ना बहुत ज्यादा तगड़ी है, इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती, तो इसलिए ना इसको टोटल 3 दिन का टाइम चाहिए। इन 3 दिन के अंदर ये इन दोनों गाड़ियों को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर देगा ना और इतनी तगड़ी बना देगा कि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के बंदे देख के हैरान हो जाएंगे। बाकी यार ऐसा ये कह रहा है, और ये जो गाड़ियां ना ये मैं बेचने के लिए मॉडिफाई नहीं करवा रहा, अपना पर्सनल व्हीकल बनाने के लिए मॉडिफाई करवा रहा हूं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। ड्राइवर तो काफी पहले ही ऊपर चला गया था पैसा लोड करवाने, जितना हमने शोरूम से कमाया है। आपने नोटिस किया होगा यहां पर जितनी भी बाइक्स थी मैं लेकर आया था वो सारी की सारी बिक चुकी है, तो मैंने बोला भैया शोरूम पूरा खाली हो गया है, जितना पैसा है सारा दो, अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं कुछ नई गाड़ियां खरीदने के लिए। पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि कहां से लेकर आनी चाहिए। लिस्ट टाइम तो हम लोग फरारी लेकर आए थे लास्ट टाइम, बट इस बार मैं सोच रहा हूं कि लैम्बोर्गिनी वगैरह लेकर हमें आ जानी चाहिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं। और ये देखो भाई यहां पर इन लोगों ने सारा पैसा लोड करा दिया और यहां पर आराम से खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। बाकी यार ये पैसा काफी ज्यादा है, एक बार लमार से पूछ लेता हूँ टोटल कितना कैश है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लमार से बात हो चुकी है, और गाइस यार ये कह रहा है कि गाड़ी में टोटल 100 मिलियन डॉलर कैश है, और साथ ही ना मैंने इससे पूछ भी लिया कि हमें कहाँ से गाड़ियां लेकर आनी चाहिए और कौन कौन सी लानी चाहिए। तो यार अभी फिलहाल लमार कह रहा है कि लैम्बोर्गिनी सबसे पहले ले आओ, क्योंकि फरारी बहुत ज्यादा बेच ली और बाइक्स भी जितनी जल्दी आई थी उतनी जल्दी बिक गई, तो हमें ना थोड़ी बहुत बाइक्स भी लेकर आनी है और लैम्बोर्गिनी वगैरह भी लेकर आएंगे। बट सबसे पहले ना काम करते हैं कुछ नई गाड़ियां लेकर आएंगे। बाकी लमार कह रहा है कि अगर लिबर्टी सिटी जाओगे तो गाड़ियां सस्ती पड़ जाएगी, तो चलो यार अभी ना जल्दी से पहले लॉस सैंटोस चलते हैं। ये जितना भी पैसा अपने घर पर रखेंगे उसके बाद सीधा निकलेंगे हम लोग लिबर्टी सिटी के लिए। और वैसे भी मेरे पास जो है अपने बैंक में काफी ज्यादा पैसा है, तो मेरे को पैसा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन पेमेंट आराम से करके सारी की सारी गाड़ियां जो है बढ़िया बढ़िया वहां से खरीद के ले आऊंगा। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा वाइनवुड हिल्स पहुंच चुका हूं। बाकी यार अभी ना फिलहाल के लिए मैं लॉस सैंटोस नहीं जाने वाला, क्योंकि यार अभी ना मेरे को यहां पर लेस्टर का कॉल आया था बीच रास्ते में, और उसने मेरे को एक लोकेशन भेजी है, वो कह रहा है जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचो। तो अभी ना फिलहाल यहां से राइट कट लेने की बजाय यहां से मैं लेफ्ट कट लेने वाला हूं, क्योंकि वो जो जगह है जहां पर लेस्टर ने मुझको मिलने के लिए बुलाया है वो यहां से बहुत ज्यादा पास है। तो चलो यार अभी जल्दी से चलते हैं। और लेस्टर कह रहा था बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचो और देखते हैं भाई अभी क्या सीन है। मेरे को जहां तक लग रहा है कुछ गलत ही सीन होगा, क्योंकि जब भी लेस्टर इस तरीके से बुलाता है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। ओ ओ ओ ओ आराम से आराम से आराम से भाई, यहाँ के जो रोड है ना सच्ची में बहुत ज्यादा पतले हैं, और अगर तेज स्पीड में चलाना तो छोटी मोटी गड़बड़ हुई। अबे भाई साहब किसने ब्रेक किसलिए मारी दरा तेरी ऐसे की दसे, एक तो ब्रेक मार दी ऊपर से अंदर गाड़ी में बैठ के गाली बकरा इधर, इसको बाहर निकाल के जो भी कूटूंगा ना बाहर जल्दी जल्दी बाहर, और भागने की ना कोई भी जरूरत नहीं, रुक जा आराम से, गाली कैसे बकरा था।
तो यहाँ पर ओ लड़ने का भी मन है भाई साहब का, यहाँ पर एक तो गाली बक रहा है, ऊपर से लड़ना भी चाह रहा है। अब पड़ेगी मुंह पे वापस, नहीं नहीं लात नहीं, लात नहीं, इसके मुक्का तो मुंह पे ही पड़ना है। और बाकी देखो एक मुक्के में इसका मुंह ना पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया है। तो चलो भाई बेमतलब में अच्छी खासी गाड़ी में सीधी निकाल लेता, बट उसने पूरी गाड़ी की वहीं पर ब्रेक मार के मोड़ दी। अब फिलहाल पड़ गए बेचारे के चाटे बेमतलब, और ये भी मेरे को लग रहा है इसको टाइम मांग रहा है, देख रहे हो उसे कितनी जल्दी हो रही है। इतना पतला सा रोड है, आराम आराम से चल लो भाई, अभी फिलहाल छोड़ो यार इन लोग को, इनसे लड़ता रहना तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो यहीं पर वेस्ट हो जाएगा। बाकी यार फाइनली हम लोग उस घर पर तो पहुँचने वाले हैं, बस हमें थोड़ा सा यहाँ से और सीधा जाना है। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस घर पर पहुँच चुके हैं, तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलते हैं। बाकी यार देखो इसके घर में कितनी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब कि ना काफ़ी टाइम पहले मैंने सोचा था कि इस गाड़ी को खरीदा जाए, बट मैंने कहा नहीं यार ये गाड़ी ना बस ऑफ रोडिंग के लिए है, नहीं नॉर्मल भी चलती है बट ना ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो यार अभी फिलहाल मैंने भी अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क कर दिया है, अभी जल्दी से ना मेन गेट से घर के अंदर एंट्री लेते हैं। तो चलो ओ आराम से भाई आराम से, तो चलो यार ड्राइवर भाई जल्दी से आजा मेरे पीछे पीछे। बाकी यार घर तो इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये जो एरिया है ना गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लग्जरी मैंशंस है, तो उनमें से ये भी एक है। बाकी इसी घर में लेस्टर ने आने के लिए मेरे को बोला था, उससे कॉल करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस यार वो कह रहा है कि वो नीचे वाले फ्लोर पर बैठा हुआ है, तो जल्दी से सीधा नीचे आ जाओ। तो चलो यार अभी फटाफट यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ से नीचे चलते हैं। बाकी यार अभी ना फिलहाल मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि लेस्टर ने बोला था कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाएगा वो अपनी सीक्रेट बेस से बाहर नहीं आएगा, बट अभी फिलहाल वो क्या करने के लिए बाहर आया है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। वैसे भी यार ओके हाँ मेरे को भी याद आया, उसने बोला था कि ना उससे कोई बंदा मिलने के लिए आया हुआ है, और वो चाहता है कि जो उसका सीक्रेट बेस है ना उसके बारे में किसी को भी ना पता चले, तो शायद इसलिए वो यहाँ पर आया है। बाकी यार देखो सीधी सी बात है, वो सीक्रेट बेस है, अगर बंदों को पता चल जाएगा तो फिर वो जगह सीक्रेट थोड़ी रह जाएगी। अभी फिलहाल इस वाले रूम में तो कोई भी नहीं था, एक बार आगे वाले रूम में चलकर देखता हूँ, पता नहीं यार ये कहाँ पर है, नीचे वाला फ्लोर बोला तो था, और ये वाला रूम भी खाली है, और उसके अंदर एक और रूम है भाई। ये सच्ची में यहाँ पर जो जगह है ना बड़े बड़े मैंशंस है, और एक से बढ़कर एक कमरे। तो ओके यहाँ पर लेस्टर बैठा हुआ है, और ये व्हील चेयर से आया यहाँ पर, ओके हाँ याद आया इसकी तो टांगे टूटी हुई थी। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि ये जो बंदा है ना ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और ये इस कंट्री का नहीं है, ये दूसरी कंट्री से आया है यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को पता है क्या लग रहा है कि लेस्टर का जो दिमाग है ना वो दोबारा से सटक रहा है। मतलब क्या, लेस्टर कह रहा है कि जो हमने डायमंड कैसीनो से स्टैचूज की रोबरी करी थी ना, उस रोबरी का प्लान लेस्टर कम से कम 3 महीने पहले से प्लान कर बैठा हुआ था, और लेस्टर के प्लान के मुताबिक ये चोरी हमने करी बट अपने लिए नहीं डगन बॉस के लिए, क्योंकि यार उसने हम तीनों की फैमिली को जो है किडनैप कर लिया था, जहां पर यार सारा काम पूरा खराब हो गया। तो लेस्टर कह रहा है कि अभी ना मैं कुछ भी करके वो जो स्टैचूज हैं वो डगन बॉस से वापस लाने हैं। अब यार देखो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास वो हमारी सारी की सारी क्लिप्स, अगर वो मिलिट्री कर्नल को भेज देगा तो सारा काम वहीं पर खराब हो जाएगा। तो ये जो काम है सोच समझ के करना पड़ेगा, और वहीं दूसरे हाथ पर अगर देखा जाए तो अगर ये चोरी हो गई तो हमें इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा ना, कि मैंने आपको पहले बताया था डायमंड कैसीनो जैसे 10 आ जाएंगे, और डायमंड कैसीनो तो आपने पूरा देखा ही हुआ है कितना ज्यादा बड़ा है, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा पैसा हमें मिल सकता है। तो अभी फिलहाल मैं कंफ्यूज हूं मैं क्या करना चाहिए, तो मैं लेस्टर को हाँ बोल देता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि डगन बॉस से स्टैचू चुराना कोई भी बड़ी बात नहीं है, अपने लिए मुश्किल काम यह है कि जो उसके पास अपना मेन डेटा है, जो क्लिप्स हैं जो कि वो मिलिट्री कर्नल को भेज देगा, जिसके अंदर हम लोग अंडरवाटर माफिया के साथ नजर आ रहे हैं, वो क्लिप्स आखिरकार हम लोग उसके पास से कैसे चुराएंगे, या फिर जितनी भी उसके पास पड़ी है जहां पर भी स्टोर है वो सारी डिलीट कैसे करेंगे, वरना जब तक वो उसके पास है तब तक तो यार देखो हम लोग फंसे पड़े हैं। तो लेस्टर कह रहा है पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, बट अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है 1 घंटा रुक जाओ बस, उसके बाद हमें पूरा पूरा प्लान बताएगा हमें क्या करना है। लेस्टर कह रहा है कि सबसे पहले तुम लोग जाकर दोनों अपने कपड़े बदल लो, और जो अपना पुराना वाला सीक्रेट बेस है ना वहां पर एक आर्मर रखा हुआ है, तो वो आर्मर जरूर पहन लेना, क्योंकि यार आप लोग को भी पता है कि डगन बॉस की जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अभी ना लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी ड्राइवर वहां कहाँ घूम रहा था, मुझे लग रहा था इधर कोई रास्ता होगा, पता है नहीं यार ये यहाँ पर क्या कर रहा था। अभी फिलहाल मैं तो टॉप कर चले जाता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ अपनी, और जल्दी से यार अभी फटाफट से हम लोग अपने घर पर निकलते हैं। और भाई एक सेकेंड, अपनी गाड़ी में इतना ज्यादा कैश है और मैंने इसे बाहर ही खड़ा कर दिया था, वैसे यार वो अभी भी पड़ा ही होगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो गाड़ी में होगा। बाकी ये ड्राइवर को देखो पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे लग रहा था उधर से रास्ता होगा यहाँ पर आने का। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूँ, ड्राइवर उधर से अपना आ जाएगा। ओके मुझे पता था ड्राइवर हमेशा ना उल्टे रास्तों पर ज़्यादा घूमता है। तो चलो यार अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाल लिया है, और यार इसमें पूरा डेंट आ गया यार, शिट कैसे गेट लगा रखे हैं, इतना ज़्यादा बढ़िया घर है, मतलब कि या तो ये वाले डोर लगाए हैं तो कम से कम गेट पर एक बंदा रख दो, या फिर वैसे यार लेस्टर यहाँ पर रहता नहीं है तो रखना ही क्यों, खैर छोड़ो मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा माइकल के घर पर, और जितना भी कैश है सारा का सारा मैं वहां पर रख दूंगा, उसके बाद मैं निकल लूंगा सीधा सीक्रेट बेस के लिए। तो गाइस यार देखो लेस्टर ने मैं स्पेशली ये भी बोला था कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए बट फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस टाइम पर ना उसके लक्षण लेस्टर को ठीक नहीं
नहीं लग रहे हैं। लेस्टर ने यार उसको ना लॉस गैंग के कुछ बंदों के साथ बात करते हुए देखा था। अब आप लोग को पता होगा कि फ्रैंकलिन जो है पहले ग्रीन गैंग के लिए काम करता था। अभी फिलहाल जब से वो हमारे साथ आया था तब से वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। अब पता नहीं यार क्यों वो वापस से गैंग्स ज्वाइन करना चाहता है, पता नहीं यार क्या सीन है उसका। बट यार जो भी है अभी फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई प्लानिंग कर ले और जो लॉस गैंग के बंदे हैं वो आकर फ्रैंकलिन को भी मारे हमें भी मारे, तो इसलिए उसको बिल्कुल साथ नहीं ले जाना क्योंकि अभी जो लॉस गैंग के बंदे हैं वो उसके दोस्त बन चुके हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। बाकी तो यार अभी फिलहाल सब कुछ एकदम मामला ठंडा है। और ये देखो यहाँ पर जिमी अपना फुल साइकिल वाइकल चला रहा है शोरूम में जाने के बजाय। तो चलो अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर साथ ही जाकर अपने सीक्रेट बेस में जाकर आर्मर वगैरह सब कुछ पहन लेंगे। तो अभी फटाफट से यहाँ पर बढ़िया से कपड़े पहन ले जाओ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं ऐसा निकल लेता हूँ फटाफट से अपनी सीक्रेट बेस के लिए। बाकी यार ये अपनी हैंड में मैंने ये वाला ग्लव्स क्यों पहना है मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताना। और अभी फिलहाल कुछ खाया पिया भी नहीं है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम कम है। लेस्टर ने भाई बहुत ज्यादा काम हमें करने के लिए बोला है। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं। बाकी यार ये ट्रेवर को देखो भाई साहब कैसे कपड़े इसने पहन लिया है, मुझे तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर इसने जो मास्क लगाया ना भाई सच्ची में वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार ये वाला गेट एक सेकंड रुक जाओ, इस गेट को हम लोग बंद कर लेते हैं अभी फटाफट से यहाँ पर। ओ ओ आराम से ज्यादा तेज नहीं चलानी भाई क्योंकि कभी कभार ना ज्यादा तेज चलाने के चक्कर में ऐसा भी एक्सीडेंट हो जाता है कि जो आगे वाला शीशा है ना उसको तोड़ के बंदा बाहर निकल जाए अगर सीट बेल्ट लगा रखी हो तब भी, तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के और आराम से। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लंबोगनी उरुस लेकर सीधा लेस्टर के पुराने वाले सीक्रेट बेस में पहुंचने वाला हूं। और गाइस यार आजकल मैं सच्ची में कुछ ज्यादा ही तगड़ी ड्रिफ्ट मारने लग गया हूं चाहे कोई भी कार हो। तो अभी फिलहाल मैं यहां से भी मेरे को लेफ्ट लेना है और फाइनली जो लेस्टर का पुराना वाला सीक्रेट बेस है वो आ चुका है। तो चलो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलते हैं। बाकी तो ये रहा लेस्टर का पुराना वाला सीक्रेट बेस, तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं। और यार हल्की सी ठोकर लगी पीछे से बट कोई नहीं इतना चलता है। बाकी यार जो लास्ट टाइम मैंने वो येलो वाली कार से ड्रिफ्ट मारी थी सीधा बैनी के गैराज के आगे ले जाकर रोकी थी, तो अगर आपको वाली अच्छी लगी हो ना तो भाई और बताना कैसी थी वो। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग सीक्रेट बेस के अंदर आ चुके हैं। वो शायद से इसी की लेस्टर बात कर रहा था कि उसका जो सीक्रेट बेस है वहां पर कुछ आर्मर्स पड़े हुए हैं तो वो आर्मर पहनना हमें जरूरी है। तो चलो यार अभी जल्दी से ये भी पहन लेते हैं। और साथ के साथ ना लेस्टर ने कहा था यहाँ पर ना अंदर एक क्रेट और होगी, उसके अंदर यार पूरी की पूरी ना आरपीजी है और साथ में रॉकेट लॉन्चर्स है, तो वो हमें लेकर जाने हैं, वो हमें काफी ज्यादा जरूरत उनकी पड़ने वाली है, तो शायद से वो इन्हीं क्रेट के अंदर है। तो चलो यार अभी जल्दी से नहीं दोनों चीज ले लेते हैं, आर्मर पहन लेते हैं और ये जो चीज है इसको भी उठा लेते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर इस वाली क्रेट के अंदर से ये जो होमिंग लॉन्चर है जिसे हम लोग बजूका भी बोलते हैं उसको मैंने यहां से ले लिया है। अभी फिलहाल ना इसकी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 एमओ है, थोड़ी बहुत एमओ है मैं ट्रेवर को दे दूंगा उसी के अंदर रखी हुई है। बाकी तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अगर मैंने इसे चला दिया ना ये पूरा का पूरा रूम ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये गलती मेरे को बिल्कुल नहीं करनी। ये लेस्टर ने बोला अपने पास रखो ज्यादा इमरजेंसी पर इसे यूज करना है। तो चल भाई ट्रेवर बस हमें ये दोनों चीजें यहां से लेनी थी। अभी फिलहाल आर्मर भी हम लोग पहन लेते हैं, दो आर्मर यहां पर है और बाकी आर्मर इसके अंदर रखे हुए हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर और मैंने आर्मर जो है पहन लिया है। अभी फटाफट से ना गाइस यार मैं लेस्टर को कॉल करता हूं और उससे पूछता हूं कि अब हमें आगे क्या करना है, जितना भी उसने हमें काम दिया था वो हमने सारा का सारा कर दिया है। अभी फिलहाल यहां पर उसकी बेल तो जा रही है, देखते हैं वो अब क्या कहता है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। और गाइस यार लेस्टर ने ना इस बारी बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लान बनाया है अपने फुल शातिर दिमाग से। अब देखो यार सीन ऐसा है कि लेस्टर को ना सब पता था अभी क्या होने वाला है। अब यार देखो जैसा कि लेस्टर ने पहले कहा था कि स्टैचू तो हम लोग चुरा लेंगे बट मुश्किल काम यह है कि जो मेन उनका डेटा है वो हमें पूरा का पूरा इरेज करना है, डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो उसको करने के लिए ना हमें पहले उसके घर पर जाना है। वो लेस्टर कह रहा है कि आज ही सबसे ज्यादा बढ़िया मौका है, मतलब यार देखो ना डगन बॉस अभी यहां से निकल रहा है दूसरी कंट्री के लिए क्योंकि वो जो मेन स्टैचूज ना उनको वो बेचने के लिए जा रहा है। अगर वो अपने घर से जा रहा है तो सीधी सी बात है आधे से ज्यादा सिक्योरिटी तो उसके साथ ही जाने वाली है उसकी सिक्योरिटी के लिए। और घर पर उसके कोई भी नहीं होगा बट हां घर पर उसके डेटा जरूर होगा बट हां थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो होगी। तो लेस्टर कह रहा है बस हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही डगन बॉस वहां के लिए निकलेगा हमें उसके घर पर जाकर जितने भी कंप्यूटर वगैरह सर्वर वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है और जो उसका मैनेजर है हो सके तो उसे भी पकड़ कर लाना है। और दूसरा काम यह है कि उसके बाद ही उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले में बीच रास्ते में डगन बॉस को भी रोकना है, हो सके तो उसे मारना है बट हाँ स्टैचू चुराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैचू चुरा के लाना है। और ये ट्रेवर कहां पर रह गया इतनी देर लगा दी, शायद से लग रहा है अपना कुछ वेपन्स वगैरह ले रहा होगा, जल्दी कर भाई। तो गाइस यार मुझे तो ऐसा लग रहा है इस साल ये नहीं आने वाला, तो चलो फाइनली यहां पर आ गया। मुझे लग रहा था अब ये 2021 में ही आएगा। तो चलो अभी ओ सॉरी 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 इस गाड़ी का पिकअप बहुत ज्यादा है भाई, मुझे लग रहा था हल्की सी रेस दूंगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी भाई। ड्राइवर बेचारा बहुत बुरी तरह गिर गया, उसने गेट खोलने के लिए जो डोर है उसे बस पकड़ा ही था, उतनी देर में मैंने गलती से रेस दे दी। तो चलो यार अभी ना जल्दी
दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ डगन बॉस के घर के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी स्पीड दिखाऊंगा ना तो आप लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार इसको वहां पर ले जाने से पहले ना एक बार वॉश करा लिया जाए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, गंदी भी ठीक ही लग रही है गाड़ी। मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल एकदम ऑफ रोडिंग कर आई है। तो चलो अभी यार मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं, अभी फटाफट से वहां पर चलते हैं। और इस टाइम ना गाइस हमें बहुत ज्यादा सोच समझ कर फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि डगन बॉस के जो गार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सबके पास बहुत तगड़े आर्मर है और अपने पास इतने ज्यादा वेपन्स नहीं है जितने उनपे आर्मर है। तो गाइस जरा अभी ना फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं अपनी कार को वॉश नहीं करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पर कार वॉश की एक सेकंड सॉरी मेरे को यहाँ पर शॉप दिख गई है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार वॉश करवा ही लिया जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो इसकी मिनी कूपर कितनी बढ़िया लग रही है यार वॉश होने के बाद। भी फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, मैं भी अपनी वॉश करवा लेता हूँ। काश यार इस टाइप के जो वॉशिंग वाली ये सब होते हैं इनको क्या कहते हैं पता नहीं यार, जो भी हैंड्स ऑन कार वॉशिंग कहते होंगे शायद से, अपने इंडिया में भी होते कितना ज्यादा बढ़िया होता। तो अभी फिलहाल देखो इसके अंदर कितना ज्यादा बढ़िया रहता है, बस हमें अपनी कार के जो विंडोज है उन्हें बंद करना है वरना आप भी भीग जाओगे साथ के साथ। अपनी कार को मैं आराम से आगे लेकर जाना है, उसके बाद ये देखो अपने आप यहाँ पर ब्रश से पूरी की पूरी कार के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है साफ होगी। मतलब 15 सेकंड के अंदर जो है कार वॉश हो जाती है। अगर किसी को भी अपना ऑफिस जाना हो तो आराम से पहले कार वॉश करवा लो और फुल एकदम ये देखो यहाँ पर गीली भी होगी और अब सूखेगी भी। भाई क्या ही बढ़िया सिस्टम है यार, काश यार ये जल्दी से जल्दी दिल्ली में आ जाए, बाकी सिटीज़ का मेरे को पता नहीं, बट हाँ यार अपने इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, बढ़िया रहेगा। कौन कौन मेरी बात से एग्री है यार कमेंट में बताओ। तो चलो अभी फिलहाल देखो क्या यार, मतलब 15 सेकंड में अपनी गाड़ी फुल एकदम चमकती धमकती बाहर आ चुकी है। बाकी यहाँ ये है कि इसके जो पीछे वाले डेंट है वो नहीं हटेंगे क्योंकि यार उसके लिए बस बैनी को देनी पड़ेगी, वही रिपेयर करेगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा डगन बॉस के घर पर पहुंचने वाला हूँ, बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है और उसका जो घर है आ जाएगा। बाकी यार देखो लेस्टर ने मुझे बोला था कि जब तक डगन बॉस अपने घर से चले नहीं जाता तब तक हमें उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। मतलब यार देखो जहाँ पर उसे वो स्टैचू बेचने हैं, जहाँ पर वो एग्जीबिशन लगनी है दूसरी कंट्री में, वो वहाँ के लिए निकलेगा। अब पता नहीं कब निकलेगा, अभी सुबह निकलेगा, शाम को निकलेगा, रात को निकलेगा, कुछ नहीं मालूम, बट हाँ जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक हम लोग उस पर अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो आधे से ज्यादा सिक्योरिटी उसके साथ जाएगी, घर में कम बंदे होंगे और यही सबसे बढ़िया मौका रहेगा। तो चलो यार फाइनली हम लोग डगन बॉस के घर पर पहुंच चुके हैं, बट यार एक सेकंड यहां पर काफी ज्यादा उसके जो गार्ड्स हैं घर के बाहर घूम रहे हैं, तो मेरे को सही नहीं लग रहा है इसके घर के आगे से गाड़ी ले जाना क्योंकि यार फिर इनको उनको हमारे ऊपर सीधा शक हो सकता है। बाकी यार ये बंदा अंधा है क्या, एक तो खुद ही नहीं लाके गाड़ी ठोकी है और ऊपर मेरे से ही लड़ने के लिए आ रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बेमतलब की लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन इस बंदे को ना कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ रही है, इधर तेरी ऐसी की तरह अंधों की तरह चला रहा है। आराम से मैं एकदम स्लो गाड़ी मोड़ रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अभी फिलहाल इसको मैं रोड पे ही मारता बट डगन बॉस के जो बंदे वो देख ना ले, साइड आ जा भाई, ड्राइवर गाड़ी में बैठ। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से लेकर चलते हैं, हमें ना मतलब ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ से हम लोग पूरा देख लें कि डगन बॉस घर पर है या फिर नहीं है। और सीधी सी बात है अगर उसकी जो पर्सनल व्हीकल है वो घर पर होगी तो वो वहीं पर है, अगर वही गाड़ी घर पर नहीं है तो सीधी सी बात है वो अपने घर पर नहीं है। और उसकी गाड़ी तो भाई हर कोई अच्छे से पहचानता है, इतनी ज्यादा तगड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा है ना, टोयोटा लिमो है उसके पास भाई, बहुत तगड़ी कार है वो, पूरी उसके ऊपर मिनी गन लगी हुई है एक लिमोसिन के ऊपर, तो आप खुद सोच लो। तो चलो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी वहाँ पर मैं लेफ्ट लेता हूँ। ये जो जगह है ना ऊपर जो छोटा सा माउंटेन है वो मेरे को थोड़ा बहुत सही लग रहा है, अगर मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जाऊँगा ना तो मेरे को ठीक ठाक व्यू मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल एकदम आराम आराम से ले जाऊँगा, बाकी ये जगह भी ठीक है मेरे हिसाब से। अभी थोड़ी सी ना गाड़ी एक बार आगे लेकर चलता हूँ तो क्या पता वहाँ से मैं थोड़ा बहुत ठीक व्यू मिले। हाँ गाइस ये जगह ना एकदम परफेक्ट है, थोड़ी सी गाड़ी अपनी और आगे ले जाता हूँ एकदम आराम आराम से, कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर घास फूस है तो सीधी सी बात है वो मेरे को नहीं देख पाएगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है इसके घर के बाहर, जिसको मेरे को देख के ही काफी ज्यादा डर लग रहा है। मतलब यार देखो कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ी के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं और सीधी सी बात है अगर बंदे बैठे हुए हैं तो वो हमें मारेंगे भी अगर हम पंगे लेंगे। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहीं घास फूस में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ ताकि कोई भी दूर से तो ना देख पाए। तो अभी ना फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पर वेट करते हैं, पहले एक काम करता हूँ अपना ना मोबाइल फोन निकालता हूँ और उसके कैमरा को ना खोल के चेक करता हूँ। अपना जो मोबाइल फोन का कैमरा बहुत ज्यादा जूम हो जाता है तो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं एकदम जूम करके। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन कर लिया है और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक तो ये प्लेन की आवाज कहाँ से आ रही है, ओ भाई साहब यहाँ पर कोई बंदा इतनी ज्यादा निचाई पर प्लेन उड़ान है क्या बताऊं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर दोबारा से अपना कैमरा ऑन करते हैं और वो देखो यार सामने की तरफ में जो मेन गेट है वहां पर तो एक गाड़ी लगी हुई है और नीचे की तरफ में दो लीमो एक रोल्स रॉयस खड़ी है और उसके जितने भी गार्ड्स है ना गाइस वो रोड पर घूम रहे हैं। बाकी यार
यहाँ पर पता नहीं यार क्या सीन चल रहा है, बट जो भी है इस टाइम पर ना इसके घर पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो अभी फिलहाल जाना बहुत ज्यादा बेकार है। और देखो जो उसकी गाड़ी है ना गाइस वो भी घर के बाहर ही खड़ी हुई है, यानी कि डगन बॉस अभी घर पर ही है। और बाकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है ना भाई, देख के डर लग रहा है। इधर भी गाड़ी लगा के गेट पूरा बंद कर रखा है और बंदे ही बंदे इधर है। तो जब तक ये जो गाड़ी यहाँ से चले नहीं जाती ना, तब तक हम लोग अपना यहीं पर बैठते हैं, आराम से यहीं पर बैठ के अपना वेट करेंगे। जैसे ये जाएगी उसके बाद इसके घर में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल डगन बॉस के घर के बाहर बैठे बैठे सुबह से लेकर रात हो चुकी है, बट अभी तक कोई भी इनके घर से बाहर नहीं निकला है। बीच में लोगों ने एक बार अपनी गाड़ी तो निकाली थी, बट उस टाइम पर डगन बॉस नहीं था, तो उन्होंने गाड़ियां अपनी घुमा के ला के रख दी थी। अभी फिलहाल जो इनकी गाड़ियां ना गाइस वो दोबारा से निकली है, साथ ही दो गाड़ियां तो बाहर आ गई, और जो तीसरी गाड़ी है जिसके अंदर डगन बॉस है वो गाड़ी भी यहां से जा रही है। और इस टाइम ना ये लोग अपनी गाड़ियां पता नहीं कहां पर लेकर जा रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, बट ये जो रास्ता है ना गाइस एकदम अलग ही जा रहा है। मतलब क्या रोड देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है हाईवे का, बट इस टाइम पर ना ये पता नहीं कहां पर जाने वाला है। अभी फिलहाल चार पांच गाड़ियां तो आगे की तरफ में चली गई, और जो सबसे आगे गाड़ी जा रही है ना गाइस उसके अंदर काफी ज्यादा बंदे हैं, और जो तीसरी गाड़ी है जिसके अंदर डगन बॉस खुद बैठा हुआ है उसके पास भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो बिना फिलहाल पहले इन लोग को यहां से चले जाने दो, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ये लोग अपनी गाड़ी को ना इस रास्ते से घुमा कर ले गए हैं, अब ये पूरा ना घूम के वो देखो उधर से आने वाले हैं। तो बिना फिलहाल सबसे पहले ना हम लोग यहां पर छुप जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी में सच्ची में डगन बॉस है या फिर नहीं है। मतलब यार जिस रास्ते से ये लोग जा रहे हैं ना वो रास्ता घूम फिरा कर यहीं से निकलता है, तो बिना फिलहाल पहले इन लोग के आने का इंतजार करते हैं, बस ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे को देख ले। वैसे जहां तक है नहीं देख पाएंगे इस टाइम पर, क्योंकि रात है थोड़ा बहुत अंधेरा भी है, और वैसे सिक्योरिटी गार्ड तो इनके काफी ज्यादा है, और पीछे से लग भी नहीं रहा कि कोई बंदा बैठा हुआ है। फिलहाल ये देखो यहां पर इनकी गाड़ियां आ चुकी है, इस वाली गाड़ी के अंदर हॉर्न किस लिए मार रही है भाई साहब, फुल एकदम लिबर्टी लूप लगाते हुए जा रहे हैं। वाकई आप लोग देखो हर गाड़ी के ऊपर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। और हाँ गाइस यार इस गाड़ी के अंदर वो देखो पीछे डगन बॉस बैठा हुआ था, तो यहाँ पर तीन गाड़ियां तो चली गई है, दो गाड़ियां बाकी कहां गई भाई एक सेकंड। तो चलो यार अभी ना फिलहाल वो जो दो गाड़ियां पीछे रह गई थी वो भी आ गई है, शायद से इनका ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए उतर गया था, बट यार जो भी अभी फिलहाल इनको यहां पर आराम से जाने देते हैं। भाई गन वन देख रहे ऊपर कितनी तगड़ी लगा रखी है हर गाड़ियों के ऊपर। तो बिना फिलहाल यहां पर इसकी आधे से ज्यादा सिक्योरिटी तो इसके साथ जा चुकी है, अब बचा इसका घर। तो बिना फिलहाल पहले इनको थोड़ा बहुत दूर निकलने जाने देते हैं, उसके बाद यहां पर अटैक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से इन्हें कोई कॉल कर दे कि भाई घर पर अटैक हो गया और इस सारे के सारे घूम कर वापस आ जाए। तो चल भाई ट्रेवर रेडी हो जाए। ट्रेवर भी अपना फुल यहां पर एकदम ध्यान से बैठकर घर पर देख रहा है कि कितने बंदे बचे हुए हैं। वैसे देखो घर की छत पर अभी भी काफी सारे बंदे खड़े हैं, तो घर के अंदर भी उसके डबल ट्रिपल बंदे ही होंगे, बट अभी फिलहाल पहले थोड़ा सा और वेट करते हैं, फिर उसके बाद अटैक करेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर डगन बॉस के जाने के बाद यहां पर मैंने 10-15 मिनट वेट कर लिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं एक काम करता हूं, इस गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूं सीधा डगन बॉस के घर पर अटैक करने के लिए। बाकी यार अभी ना मेरे को लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहा है कि जो भी काम है जल्दी से करो, क्योंकि यहां पर जितना भी डेटा है वो हमें सारा इरेज कर रहा है, उसके बाद हमें डगन बॉस को भी रोकना है दूसरी कंट्री जाने से पहले, और उसके पास जो स्टैचूज है वो हमें चुराने हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहां से आगे लेकर चलता हूं। फिलहाल यहां पर थोड़ी सी लाइट जला लेते हैं, काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है, ठीक है एकदम आराम आराम से अपनी गाड़ी उतारनी है। बाकी यार देखो अगर मैं मेन गेट से अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा ना तो काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर साइड से ले जाऊंगा ना जो उसका पीछे वाला गेट है तो मेरे हिसाब से वो जगह ठीक रहेगी, वहां से हम लोग इजिली अंदर भी चले जाएंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, और यहां से मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ लेता हूं। और हाँ यार इधर ना देखो एक गाड़ी है जो कि डगन बॉस के ना चारों तरफ मतलब कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई बंदा यहाँ पर अंदर ना घुस जाए, बट हाँ उससे बच के मेरे को अंदर जाना है। तो फिलहाल ये जगह एकदम परफेक्ट है, उधर चारों तरफ ना बैरियर्स लगे हुए हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर इधर का मैं बैरियर तोड़ दूंगा ना तो ज्यादा फर्क किसी को पता नहीं चलेगा। और अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं लाइट भी अपनी बंद कर लेता हूँ और अपनी गाड़ी को ना एकदम मैं साइलेंटली चलाने वाला हूँ। ये जगह गाइस मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है, क्योंकि यार देखो इसके ना छत पर भी बंदे बैठे हुए हैं घर की, तो सीधी सी बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर एकदम चुपचाप से खड़ा करके इसे ऑफ कर देता हूँ, और अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से डगन बॉस के घर के अंदर मुझे अकेले जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यार ये जो काम है ना मुझे एकदम चुपचाप से करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं इसके घर के ऊपर अटैक करूं यहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना वो डगन बॉस को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा दे, अगर उन्हें पहुंचा दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। और बाकी तो और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो हर छत के ऊपर हर गेट के बाहर दो दो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। तो चल भाई ट्रेवर तू बाहर ही रुक, वैसे ट्रेवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि अगर जब भागना होगा ना वो सारा डाटा इरेज करके तो हम लोग यहां पर लड़ेंगे नहीं सीधा भागेंगे, क्योंकि डगन बॉस को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर मैं यहां पर लड़ने लग गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। फिलहाल यहां पर चुपचाप से बैठ जाता हूं, बाकी ड्राइवर तू गाड़ी पे जा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ड्राइवर को मैंने यहीं पर बैठने के लिए बोल दिया, और साथ ही मैंने इसको ये भी कह दिया कि गाड़ी और गन्स दोनों पूरी रेडी रहनी चाहिए। तो चलो यार अभी ना चुपचाप से हम लोग एकदम आगे चलते हैं, अभी फिलहाल मामला एकदम ठीक लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक किसी भी बंदे ने मुझे देखा है, बट अगर मैं यहां से आगे जाऊंगा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। मतलब यार देखो जितने गेट हैं उतनी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड यहां पर
लगे हुए हैं। तो यार देखो अभी ना फिलहाल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे हिसाब से यार, अब ना मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जो बंदा ऊपर खड़ा हुआ था ना वो भी अभी फिलहाल उस तरफ में देख रहा है, तो यही एकदम सही टाइम है। फटाफट से गाइस यार यहाँ पर ना चुपचाप से नीचे झुकता हूँ और जल्दी से भाग कर मैं इधर छुप जाता हूँ। चलो भाई अभी फिलहाल मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अभी भी मेरे को किसी ने नहीं देखा। और अभी अच्छी बात तो यह है कि यहाँ की जो वॉल है ना गाइस वो थोड़ी बहुत बड़ी है, ऊँची है, तो सीधी सी बात है मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। बट यार यहाँ की जो वॉल है तो कुछ ज़्यादा ही ऊँची होगी है, अंदर जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पर एक टायर रखा है तो क्यों ना मैं इसके ऊपर चढ़ूँ। और बाकी ओ ओ ओ यहाँ पर थोड़ी सी हाइट कम पड़ जाएगी। और टायर नहीं, नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर ले भाई साहब मेरे को उठा के सारे रखने पड़ेंगे, वैसे हाँ अगर एकदम प्रॉपरली रख दूंगा तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके सारे के सारे टायर्स को एक के ऊपर एक रख दिया है, तो अभी ना जल्दी से एक जंप मार के इसके ऊपर चढ़ते हैं। बाकी यार देखो जो ये वाला गेट है ना यहाँ पर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ की जो वॉल है लंबी है, तो इनकी सिक्योरिटी गार्ड को लगा होगा इधर से कोई भी नहीं आ पाएगा। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इनकी गलत फहमी मैं आज दूर कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, बाकी ना अभी जल्दी से हमें इसके घर के अंदर जाना है। अगर मैं उस साइड जाऊँगा ना तो सीधी सी बात है अभी जिंदा नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि यार बाहर की तरफ में काफ़ी सारे बंदे हैं और इधर भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड ना इसके घर के अंदर भी राउंड लगा रहे हैं, वो भी इतनी ज़्यादा रात को। मतलब यार जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा है, और एक गार्ड नहीं है दो तीन गार्ड है, दो तो मेरे को नजर आ गए। बट हाँ यार इतना बड़ा घर है तो सीधी सी बात है हर साइड पर गार्ड्स ही गार्ड्स होंगे। और इस उत्तरी की भाई साहब यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, मुझे ना चुपचाप से अंदर जाना पड़ेगा। इधर कुछ बंदे बैठे हैं जो कि अपना सर्दियों में बैठ के हाथ सेक रहे हैं, तो यहाँ पर आकर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जो लेडी बैठी है ना इसने मेरे को देख लिया। नहीं नहीं इसने मेरे को नहीं देखा, ये उनसे बात कर रही है भी। चुपचाप से ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पर ये आपस में लड़ रहे हैं पता नहीं किसी बात को लेकर। ओके तो इतनी रात को बियर वियर पियोगे तो कहाँ ही होश रहेगा। तो चलो अभी फिलहाल जो सामने वाला गार्ड है ना मुझे उससे बचकर थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है। वो ना पूरे के पूरे इस घर में राउंड लगा रहा है। अभी फिलहाल वो चलकर इधर की तरफ में आ गया है, पहले ना उसको यहाँ पर आ जाने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं रहूंगा ना तो किसी ना किसी को तो दिख ही जाऊंगा। अभी फिलहाल वो देखो वो ना फोन पर कमांड वमांड भी साथ के साथ दिए जा रहा है। अभी फिलहाल ढंग से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके तो यहाँ पर अभी फिलहाल वो भाग कर इधर आ रहा है। इधर मत आइयो प्लीज, इधर मत आइयो, अगर ये इधर आ गया ना तो गाइस सारा काम खराब हो जाए। ओके 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 अभी फिलहाल ये यहाँ की तरफ में आया तो था और यहाँ आके ना गाइस ये घूम गया है। तो अभी ना चुपचाप हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बार ना चुपचाप से मैं बैठ जाता हूँ, बस अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत सेफ हूँ। और ये जो गार्ड है गाइस घूम के इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, भाई रुक जाओ रुक जाओ। तो अभी ना फिलहाल देखो ये वापस से उधर आकर रुक गया है। मेरे को पता क्या लग रहा है कि इसकी ड्यूटी क्या है, पूरे के पूरे सर्कल में ना राउंड लगाना है। अगर ये इधर मेरे को देख लेगा ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये अपना उधर फोन पे बात करने में मस्त हो रखा है और मैं भाग कर इधर आ गया हूँ। अभी जल्दी से ना गाइस मैं इधर आके कहीं पर छुप जाता हूँ। ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत सेफ लग रही है, बट उधर की तरफ में जो गार्ड है ना वो मेरे को देख सकता है। अभी यहाँ पर भाई मेरे को कोई भी नहीं देख पाएगा, मतलब यार क्या ही पागल बनाया मैंने इन लोग को। बट हाँ यार थोड़ा बहुत रिस्क है, ये इधर आ रहा, चल के रुक जाओ रुक जाओ। भाई दोनों ही आ गए अभी तो। ओके तो ये वाला तो चलो चला गया। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे हिसाब से आगे बढ़ने का यही सबसे बढ़िया मौका है। मतलब यार देखो ये वाला जो बॉडी गार्ड है ना ये क्या कर रहा है, स्टेबल के चारों तरफ राउंड लगा रहा है और कभी कभार के लिए ना थोड़ा सा और भी आगे चले जाता चेक करने के लिए। तो जब ये आगे जाएगा ना तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सीधा जाएंगे किचन में। और किचन में जो फ्रिज है वो जाता है सीधा डगन बॉस के घर के बेसमेंट में, जहां पर उसने ट्रेवर, माइकल, फ्रैंकलिन तीनों की फैमिली को किडनैप करके रखा था। तो यार देखो अभी फिलहाल ये वाला जो बॉडी गार्ड है ये इधर चला गया और ये भाग के इस साइड पर आ रहा है, तो यही सबसे बढ़िया मौका है यहाँ से आगे जाने का। तो वो फिलहाल अपना उधर चला गया और यहाँ पर कुछ बंदे बैठे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं भाग कर सीधा अंदर घुस जाता हूँ। इनको यार इतना कुछ पता वता नहीं चलेगा। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ पर उतर कर चलते हैं नीचे। बाकी यार अभी ना फिलहाल के लिए मैं अपने हाथ में नाइफ निकाल लेता हूँ ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो तो मैं सीधा उसके जो नाइफ है ना पेट में घुसेड़ दूंगा। तो यार देखो यही है वो रूम जिसके अंदर इसने भाई हम तीनों की फैमिली को जो है किडनैप करके रखा हुआ था। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो कुछ डॉग्स हैं जो कि सीधा मेरे को काटने के लिए आ रहे हैं। नहीं 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 प्लीज 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 मैं यार इसको मारना नहीं चाहता। और यार प्लीज ज्यादा तेज मत भोंकियो वरना वो लोग मेरे को मारने के लिए आ जाएंगे। बाकी यार अभी फिलहाल ये तो एकदम पागल ही हो गया, मेरे को ढूंढ रहा है, इसको मालूम है मैं इधर हूं, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ गाइस यार डंडा निकाल के ना इसके सर पे मार दूं, ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। वैसे मेरा मारने का मन, ओ भाई साहब ये तो मार ही देगा मेरे को, इसको बेहोश करना पड़ेगा गाइस यार। अभी फिलहाल यहाँ पर इसको तो मैंने बेहोश कर दिया है, अभी मैं अंदर वाले रूम में नहीं जाने वाला। जो अंदर वाला डॉग है गाइस वो भौंकने लग गया है, तो कोई ना कोई उसको चुप कराने अब जरूर आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। बट प्लीज यार मत आना। अभी ना फिलहाल जो मेरा मास्क है वो भी इस डॉग ने गिरा दिया यार, बिल्कुल मेरे को बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है उसको मार के। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, ओ भाई साहब यहाँ पर भी एक बंदा, तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से। इसके भी गाइस मैंने रख के एकदम चाकू जो है बजा दिया है। अच्छा हुआ कि जो ऊपर वाले गार्ड है ना उनको पता नहीं चला, तो अभी फिलहाल इसको भी मैंने मार दिया। बाकी यार देखो अच्छी बात तो ये है कि ये जो डेटा सर्वर है यहीं पर पड़ा है, बट यार ये तो ऑफ पड़ा है। एक सेकंड यार ये पूरा पूरा सर्वर ऑफ पड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर डेटा नहीं होगा। बाकी यार ये देखो ये क्या हिसाब है, पैसे धोता कौन है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। और बाकी तो यार यहाँ पर देखो इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या सीन चल रहा है। तो अभी ना फिलहाल एक काम करता हूँ, इस कंप्यूटर को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अभी फिलहाल डिस्ट्रॉय करने के मेरे पास एक यही
हथियार है। बाकी यार इसको डिस्ट्रॉय करूं या ना करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंप्यूटर उस चीज का नहीं है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। बट यार अभी ना फिलहाल मेरे को एक बार ना सामने वाले रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे ना अपना मास्क लेना है। और जहां तक मुझे लग रहा है डॉग्स अभी भी वहीं पर। ओ भाई साहब ये तो भाग के इधर आ गया। ओ भाई 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 गिरा दिया। अबे काट मत भाई, प्लीज काट मत यार। अबे उठने तो दे भाई एक मिनट यार। इसको गाइस यार अभी ना मेरे को बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने हल्ला मचा दिया ना तो ऊपर के जो गार्ड्स हैं वो सीधा मेरे को मारने के लिए आने वाले। प्लीज 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 आराम से शांत शांत शांत। तेरे को चिकन तेरी भैंस के निकल यहां से। इसको भी बेहोश करना पड़ेगा भाई। जान कितनी ज्यादा यार, रॉड पीला रही है। प्लीज 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 मैं बेहोश करूंगा, बस मारूंगा नहीं। मारना होता तो अभी फिलहाल मैं चक्कू इसको मार देता, बट नहीं यार मैं इन डॉग्स को नहीं मारना चाहता। इनकी कोई भी गलती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक ना गैस स्मोक डाल के मैं इसे बेहोश कर दूं। प्लीज 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 ये गेट नहीं खोल पा रहा, बाहर ये आ चुका है। बाकी यार तू कुछ नहीं कहेगा। ये डॉग बड़ा शांत है, बहुत प्यारा है। तेरे को घर लेकर चलूंगा, ढेर सारा खाना। अबे भाई साहब ये डॉग्स ये डगन के हैं, ये मेरे नहीं होने वाले। अभी फिलहाल यहां से निकलो। मेरा मास्क यहीं पर गिरा था। अच्छा वो पीछे चला गया, शर्ट यार उसको उठाना पड़ेगा। बाकी प्लीज प्लीज शांत शांत शांत, वरना मैं मारी थोड़ा एक प्लीज सॉरी। तो अभी फिलहाल मैं इसको बेहोश करना पड़ रहा है भाई, वरना सारा काम अपना खराब हो जाएगा। बाकी यार देखो ये वाला डेटा सर्वर तो पूरा बंद पड़ा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें कोई और सर्वर ढूंढना पड़ेगा भाई। तो हाँ गाइस यार अभी ना मुझे एक चीज याद आई, जहां पर हमने डगन बोस को वो स्टैचूज दिखाए थे वहां पर भी उसका एक कंप्यूटर है, तो क्या पता जो डेटा सर्वर है वो वहां पर हो। तो भी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलने की कोशिश करते हैं। बाकी यार देखो बिना फिलहाल ये वाला जो फ्रिज का गेट है ना, मुझे बहुत ज्यादा आराम से सोच समझ के खोलना पड़ेगा। बाकी यार एक सेकंड में अपना मास्क फिर से लाना भूल गया, जल्दी से चल के ना गाइस वो उठाता हूं। बाकी यार देखो मेरे पास ना यहाँ पर एक मास्क तो पड़ा हुआ है, मैं एक मिनट इन्वेंटरी में मेरे पड़ा होगा एक आध मास्क, तो वही पहन लेता अभी फिलहाल के लिए। सस्ता वाला है, इससे अपना काम चल जाएगा। अगर वो वाला लेने जाऊंगा तो जो डॉग्स हैं उनको मैंने मारा नहीं है, वो बस गिरे हुए। अभी जाकर देखो, वो देखो जिंदा है। अभी मेरे को दिखा था शायद वो ओके, तो बेचारा ये वाला तो बेहोश पड़ा हुआ है। बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर एक ना एक डॉग अभी जिंदा है। तो मैं बेमतलब मैं पंगे क्यों लेने जा रहा हूँ भाई, अभी बेमतलब काट लेंगे। रोटविलर ने वैसे भी एक बार ही काट ही लिया पैर में, तो अभी चुपचाप से ऊपर चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर हमें जाना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैं गेट खोल दूँगा एक बार आराम से, आधा गेट खोल के देखता हूँ। तो ओके यहाँ पर उनको कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब एक बार ये वाला गेट खोल कर देखते हैं। तो ओके गाइस मामला बिल्कुल एकदम शांत है। अभी जल्दी से चल करना गाइस यार, मैं इस तरफ में छुप जाता हूँ। अब ना मेरे को देखो यार यहाँ से ऊपर जाना है। इस तरफ में जो बंदे थे अच्छा हुआ कि वो भी अपना खाना पीना खाकर यहां से जा चुके हैं। तो भी ना गाइस जल्दी से मैं ऊपर चलने की कोशिश करता हूं। पहले यहां पर छुपते हैं। जो इधर गार्ड राउंड लगा रहा था वो कहां चला गया? ओके उधर वाला गार्ड तो मेरे को नजर आ गया। बाकी देखो इधर वाला गार्ड भी यहीं पर है। तो भी जल्दी से मेरे को यहां से थोड़ा आगे बढ़ना है और यहां पर थोड़ी देर के लिए छुपता हूं। इस तरफ में भी एक गेट जा रहा है। बाकी यार मेरे को उसके यहां पर नहीं जाना, ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। तो ये वाली जो स्टेयर्स है बिल्कुल खाली पड़ी है। तो चलो यार अभी ना चुपचाप से हम लोग यहां पर ऊपर चलते हैं और अभी फटाफट से ना ये वाला गेट मेरे को खोलना है। हो सकता है अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, बट कोई नहीं, अपना नाइफ रेडी रखते हैं। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने हाथ में नाइफ निकाल लिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा अंदर वाले रूम में। बाकी तो यार देखो मेरे को ना यहाँ पर याद नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन सा रूम है जो कि डगन के ऑफिस में लेकर जाता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये वाला रूम था शायद से। तो जल्दी से अंदर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर तो दो गार्ड खड़े हैं, तो तू तो बेटा निकल यहाँ से। बाकी बेचारे यहाँ पर फुल एकदम नशे में बैठे हुए ड्रिंक व्रिंक करके, मतलब बार खोल रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ही पियोगे। अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात तो ये कि मैंने दोनों को बेहोश कर दिया है। अभी इनकी बॉडी ठिकाने लगाऊं या ना लगाऊं मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। छोड़ो यार अभी ना फिलहाल के लिए इन लोग को ऐसे ही पड़े रहने दो, क्योंकि अगर मैं अभी इनकी बॉडी ठिकाने लगाने में लगूंगा तो सीधी सी बात है मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी आगे की तरफ में एक बंदा और है, इसको भी मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से इन लोग का खेल खत्म करेंगे ना तो ही बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी फिलहाल इसको मार भी दिया। अच्छी बात तो यह है कि इसकी बॉडी भी नीचे नहीं गिरी, वरना काम और ज्यादा खराब हो जाता। तो अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं गलत रूम में आ गया था, ये वो वाला रूम नहीं है जिसके अंदर डगन बॉस रहता, मतलब जिसके अंदर डगन बॉस का ऑफिस है। तो वो जो रूम है गाइस यार मेरे हिसाब से ये तो शायद से वो वाला रूम है जहां से मैं अंदर आया हूं। पता नहीं यार एक बारी थोड़ा सा गेट खोल के मैं देख लेता हूं। तो ओके ये वाला रूम है जहां से मैं अंदर आया हूं। चारों तरफ मतलब अगर आप देखोगे ना एकदम सेम सेम बना रखा है, तो कुछ भी समझ नहीं आता। फटाफट से हम लोग अंदर वाले रूम में चलते हैं। बाकी यार यहां पर ओके यहां पर दो बंदे बैठे हुए, तुम लोग कौन हो भाई? एक सेकंड, ये लोग मेरे से डर रहे हैं, तुम हो कौन पहले तो ये बताओ। अभी फिलहाल मैं इनको मारना नहीं चाह रहा हूं। अबे चिल्लाओ मत हेल्प हेल्प, अभी वरना मैं ही मारूंगा। बाकी जो रूम है ना गाइस यार ये मेरे को डगन बॉस का ही लग रहा है। बाकी यार कितना ज्यादा सिमिलर है ये अपने घर से, मतलब यार देखो जो कपड़े बदलने का एरिया है वो भी वैसा का वैसा ही है। और जो अंदर वाला रूम है ये रूम ओके, तो ये बाथरूम है, देखो यार बाथरूम भी सेम टू सेम वैसा ही है। अभी फिलहाल यार मेरे हिसाब से ना मुझे इन लोग को भी मार देना चाहिए, मतलब मारूंगा नहीं इनको, मैं बेहोश कर देता हूं। तो कोई नॉर्मल सा वेपन निकालता है ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार कुछ पता नहीं है ये लोग कब किसको बता दें। तो वैसे निकलो यहां से फटाफट से, धीरे धीरे मारूंगा दोनों के। ओ लगी नहीं तेरे। तो ओके गाइस सर अभी ना फिलहाल यहां पर इन दोनों लोग को मैंने गोल्फ क्लब मार के बेहोश कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनको होश आ जाए, इसलिए यहां पर मैंने एक एक रोड इन्हें और मार दिया, क्योंकि अगर इनको होश आ गया ना तो सारा अपना काम खराब हो जाएगा।
तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने तीनों रूम चेक कर लिया है, बस अब एक ये वाला रूम रह रहा है। तो चलो यार जल्दी से ना इसके अंदर चलते हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर सिक्योरिटी भी जरूर होगी। जल्दी से अंदर चलते हैं यहाँ पर यार इसका। ओके तो यहाँ पर इसका मैनेजर बैठा हुआ है, चुपचाप से हैंड्स अप कर ले क्योंकि हम लोग तेरे को यहाँ से जिंदा पकड़ कर लेना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ओ एक सेकंड, यहाँ पर इसको मैं जितनी ज्यादा प्यार से बात कर रहा हूँ इसे उतनी समझ नहीं आ रही। चुपचाप मैं कुछ नहीं कहूंगा, आराम से मेरे साथ चल लियो। अगर अब लग गई ना बेटा भूत बना दूंगा, सही बता रहा हूँ, आराम से ठीक है। इसकी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से भाई साहब, अभी भी नहीं समझ आ रही इसको। अभी फिलहाल एक ही रोड हमारी है, मरा तो नहीं होगा जहां तक लगता है, बट कस के पड़ी है पीठ पे, खूनम खून हो गया। चलो कोई नहीं, अपना मास्क उठाकर मैं पहन लूं सबसे पहले। तो अभी फिलहाल ये रहा मास्क, इसको जल्दी से हम लोग लगाते हैं, क्योंकि यार अगर किसी को पता चल गया ना कि माइकल वगैरह यहां पर आए थे या फिर वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाता है तो काम खराब हो जाएगा। डगन बॉस के पास एक क्लिप और हो जाएगी। तो अभी फिलहाल यहां पर जो इसका कंप्यूटर है जल्दी से मुझे वो भी चेक करना है। मैं बस बाहर ये दिखने गया था कि कोई आ तो नहीं रहा, तो अभी फटाफट से इसे ऑन करते हैं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल जैसे तैसे करके इस कंप्यूटर को मैंने यहां पर ऑन कर लिया। इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ था जो कि लेस्टर से कॉल पे बात करके मैंने उसे क्रैक कर लिया, और लगे हाथ ही लेस्टर ने इस कंप्यूटर को भी अपने घर बैठे ही चेक कर लिया, और वो कह रहा है कि इस कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेम्स भरी पड़ी है। मतलब क्या, हमने जितनी मेहनत करी थी वो सारी खराब गई। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा डाटा कहां होगा, बट हां इसका पूरा का पूरा घर तो मैंने चेक कर लिया है, बट एक रूम है जो कि मैंने चेक नहीं करा है। मतलब क्या देखो, जो गेट मेरे को दिखा था ना, मेरे हिसाब से मुझे उसके अंदर जाना चाहिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग उधर जाने की कोशिश करते हैं। बाकी यार इधर एक डगन बॉस का सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, पहले यार इसको यहां से निकल जाने दो, वरना यार अभी तो सारा का सारा काम ही खराब हो जाता। अच्छा हुआ कि इसने हमें देखा नहीं, वो अपना उस साइड चला गया है, हम यहां से निकल लेते हैं सीधा नीचे। बाकी यार देखो एक यहां पर बड़ी गलती हो जाएगी, वो घूम के ना जहां तक मुझे लग रहा है इधर ही आएगा। अभी फिलहाल वो अपना वहीं पर खड़ा हो गया, पता नहीं किस लिए, या तो आगे चले जाए या तो पीछे आ जाए, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये वहां किस लिए खड़ा हो रखा है। शायद से बाहर किसी को देख रहा है इसके ने गाइस यार यहां से आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जो गेट है ना गाइस यार वो यहीं पर नीचे ही है, तो बस मुझे उसके अंदर जाना है और अपना काम हो जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर ना ये बंदा कॉल पे किसी को कमांड दे रहा है, मतलब यार इनका पता है क्या सीन है, ये पूरे एरिया को चेक करते हैं और हर 10 मिनट बाद ना कमांड देते हैं कि एरिया क्लियर है। तो गाइस यार डगन बॉस ने बेचारे ने अपने घर में सीसीटीवी नहीं लगवा रखे हैं, और ये वाला जो गार्ड है ये भी यहां से आगे जा रहा है। तो भी फटाफट से हम लोग यहां से चल लेते हैं सीधा इस वाले रूम के अंदर। बाकी यार यहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ है, इसको मैंने मार दिया, और इधर एक यहां पर बीआरपी का पड़ा हुआ है, इसको फिलहाल कुछ भी होश नहीं है, बट इधर तू भी एक लात खा ही ले, तक कहीं ऐसा ना हो कि बीयर पीने की एक्टिंग कर रहा हो। बट अभी फिलहाल यहां पर जो दो बंदे थे इनको मैंने मार दिया है, और ये जो रास्ता है भाई सच्ची में ये तो कोई सीक्रेट जगह है भाई साहब, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक घर है ना इसका, देख के मुझे डर लग रहा है। बाकी यार वो देखो आगे की तरफ में कुछ गार्ड खड़े हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, और शायद से ये ओके। तो वो देखो वहां पर इनका जो डेटा सर्वर है पड़ा हुआ है, बट यार ये वाला सर्वर भी मेरे को ऑफ लग रहा है, बट जहां तक मुझे लग रहा है यही इनका रूम है। ऐसी तरह से निकल यहां से, अभी इन तीनों को तो यहां पर मैंने मार डाला, अभी फिलहाल मेरे को लगता नहीं है ये इतनी जल्दी मरने वाले हैं। बाकी यार कहीं ना कहीं से ना मुझे गैस लीक होने की आवाज आ रही है, और यार ये देखो ये वाले जो डेटा सर्वर है ये ऑन पड़े हैं, अभी फिलहाल इनको मैं मार देता हूं। अभी ना गाइस बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जो ऊपर बंदे हैं ना वो सारे के सारे इस टाइम पर भाग कर नीचे आने वाले हैं, बट उनके नीचे आने से पहले ना गाइस मेरे को सारा काम खराब करना है। सबसे पहले तो यहां पर इनका कंप्यूटर बंद करो, ये वाली स्क्रीन को भी मैं बंद कर देता हूं। ओ तेरी भाई साहब, यहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था जो कि यार पूरा बुलेट प्रूफ है, बंद भी नहीं होने वाला, और ये लाइट भी नहीं बंद होगी। अभी फिलहाल जो मेन काम है डेटा सर्वर को डिस्ट्रॉय करना वो मैं कर देता हूं, बट उसको मैं ऐसे नहीं करने वाला। यहां पर ये जितने भी आप कैन देख पा रहे हो ना सारे ऑयल के कैन है, इस पे गोली मारूंगा तो पूरे पूरे में एरिया में पेट्रोल गिर जाएगा सारा का सारा, और एक गोली और मारनी है तो पूरे में आग लग जाएगी। बट यहां पर गोली चलाने से पहले मैं थोड़ा सा बाहर हो जाऊंगा, अभी फिलहाल पूरे में एकदम पेट्रोल पेट्रोल हो चुका है, बस एक गोली मारते ही सारा काम तमाम है। यहां पर एक गोली मारता हूं, ओके। तो यार वैसे इससे कुछ भी नहीं हो रहा, ये पेट्रोल नहीं है ये कुछ और ही चीज है, बट दिक्कत क्या है, एक गैस कैन तो मेरे पास भी है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं अपने गैस कैन को यहां पर बाहर निकालता हूं, और ये जो जितनी भी जगह है ना गाइस यहां पर मैं एकदम पूरी आग लगा डालूंगा, और इधर इतना ज्यादा पेट्रोल पड़ा हुआ है और इतनी ज्यादा बियर पड़ी हुई है भाई साहब, सच्ची में डगन बॉस क्या ही बंदा है, और कैसा यार इसने अपना घर बना रखा है, मतलब कि अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड है। अभी मुझे पता नहीं है और भी कितने ज्यादा यहां पर अंडरग्राउंड होंगे। अभी फिलहाल पेट्रोल डालते डालते यहां से मैं सीधा ऊपर निकल लेता हूं, जैसे यहां पर ऊपर वाले फ्लोर पर एक गोली मारूंगा तो आग जो है जलती हुई सीधा नीचे जाएगी, और ये इतना ज्यादा खतरनाक पेट्रोल है ना कि इसकी आग जो है कोई बुझा भी नहीं सकता है। तो अभी फिलहाल एक मैंने गलती कर दी, अगर मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होने वाली है, बट कोई नहीं। अभी फिलहाल एक गोली यहां पर चला देते हैं, बाहर काफी सारे गुंडे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने गोली मार दिया, और ये देखो आग अभी यहां पर जल चुकी है। अभी फिलहाल मेरे को यहां से अंदर की तरफ में नहीं जाना, बाहर निकलना है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल देखते ही देखते यहां पर आग बहुत ज्यादा लग चुकी है, बाकी पीछे की तरफ में कुछ बंदे आ गए हैं मेरे को मारने के लिए, तो बिना फिलहाल यहां पर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एक बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया है, यहां पर एक बंदा और आया था भाग के। अभी ना फिलहाल मुझे इस जगह से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आग जो है ना गाइस वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ में बढ़ रही है, बाकी पीछे की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं, मुझे ना भाग कर यहां से जाना चाहिए। इनका जो सीक्रेट बेस है ना, सोच रहा हूं इसी के अंदर घुसकर बैठ जाऊं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी फिलहाल यार यहां पर ना सच्ची में काफी ज्यादा
बंदे हैं, एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं छुपूंगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो गाइस यार एक बार ही आप लोग ना लेफ्ट साइड में देखो कि यहाँ पर धुआं कितने खतरनाक तरीके से बाहर निकल रहा है। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल जो उसका घर है सच्ची में इतना ज्यादा बड़ा है और उतने बंदे यहाँ पर ना भर भर के बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर एक बंदा और था, सबसे पहले मैं इसको मारता हूँ। मुझे ना गाइस यार बहुत ज्यादा तमीज में जगह जगह जाकर ना बंदों को मारना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर पीछे भी एक बंदा एरिया से किधर से निकल यहाँ से। अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाने से बढ़िया ना सीधा यहाँ से नीचे निकलता हूँ। बाहर अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस खड़ी हुई है, वो ड्राइवर भी वहीं पर छुप कर बैठा हुआ है, तो हम दोनों सीधा गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेंगे। बाकी बंदों के अंदर जान देखो कितनी ज्यादा है। अभी फिलहाल यार देखो लेस्टर ने इमरजेंसी के लिए मेरे को बजूका दे रखी है, बट अभी फिलहाल उतनी इमरजेंसी नहीं है, इनको तो मैं नॉर्मली हैंडल कर पा रहा हूँ। बट अभी ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी M4 निकाल लेता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगी अगर मैं हेड पे मारूंगा तो। बाहर की तरफ में काफी सारे बंदे हैं, इस तरफ से मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला, यहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए छुपता हूँ। बाकी यार अंदर बहुत तगड़ी आग लगी हुई है, धुआं इतना ज्यादा आ रहा है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो गाइस यार देखो इस टाइम तो ना मुझे यहाँ से बाहर जाने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप लोग यहाँ पर खुद देख पा रहे हो बाहर कितने ज्यादा बंदे हैं, तो अगर मैं इस गेट से बाहर जाऊंगा ना तो मेरे को लग रहा है ज्यादा दिक्कत होगी। अभी फिलहाल ये वाला गेट ना मेरे को उस वाले गेट से ज्यादा सही लग रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर ना थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इस तरफ में भाग कर एक बंदा आया है और यहाँ पर पीछे की तरफ से भी एक बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। बट गाइस अभी ना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये जो बंदे हैं ना मेरे हिसाब से भाग कर इधर से आएंगे और काफी ज्यादा लोग हैं। तो गाइस अब वो सिचुएशन आ चुकी है जब लेस्टर ने मेरे को कहा था इमरजेंसी पड़ने पर ये बाजूका यूज करनी है। बाकी यार देखो ये अपनी गाड़ी ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस ब्लास्ट कर दी। एक सेकंड भाई क्या कह रहे हो, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इसको मारता हूँ, एक के बाद एक बंदे यहाँ पर आ तो रहे हैं, निकल यहाँ से भाई। वैसे अगर हेडशॉट मारना है ना तो उसके लिए अपनी AK-47 ही ज्यादा बेटर है M416 से। अभी फिलहाल बंदों को देखो भाई सब तुम कैसे भाग कर आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए। ये मैंने निकाली अपनी बाजूका, टाइम आ चुका है गाइस यहाँ पर असली तबाही मचाने का। लो तुम्हारी ऐसे की तैसे, निकलो यहाँ से। अभी फिलहाल एक के तो मैंने मार दी, क्लोज में नहीं चलाऊंगा भाई, अगर यहाँ चला दी तो मेरे को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बाकी पीछे से भी एक बंदा, ओ भाई 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 नहीं नहीं गलती से चल गई, अच्छा हुआ कि थोड़ी बहुत दूर थी वरना भाई मेरे को ज्यादा डैमेज हो जाता। बाकी एक बंदा ये रहा तू भी निकल, ये रहा बंदा तू भी निकल। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैं चाहता नहीं हूँ कि इधर कुछ ज्यादा तबाही करूँ, तो यहाँ पर मैंने स्टिकी बॉम्ब्स डाले थे, दोनों को मैंने ब्लास्ट कर दिया। बट यार ये जो बंदे हैं ना यहाँ पर रुकने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ पर आए जा रहे हैं। फिलहाल इसको मैंने मारा था, ये दोबारा से उठ के मेरे को मार रहा है, और छत पर भी जो बंदे चढ़कर बैठे ना ये देखो ये बैठा, इसको भी मैंने मारा। गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को घर के अंदर ना वापस से चले जाना चाहिए क्योंकि ओ भाई 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 कैसे पैर फिसला था भाई, अभी मैं गिरता बड़ी बुरी तरह। तो फिलहाल मैं भाग कर वापस से घर के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर मैं फुल हौसला रख के इस जगह से बाहर निकल रहा हूँ। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, जहाँ पर लैम्बोर्गिनी उरुस ब्लास्ट हुई है ना वहीं पर ट्रेवर लास्ट टाइम बैठा हुआ था, बट अभी तक ना मेरे को ट्रेवर कहीं पर भी नजर नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार इन लोगों ने ट्रेवर को भी उसी के अंदर बैठा के या फिर उसी के बगल में रख के ब्लास्ट कर दिया हो। अगर ऐसा होगा ना तो भाई फिर सीधी सी बात है ट्रेवर तो भैया खत्म ही हो जाएगा। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक एक करके इनके काफी सारे बंदे आ गए, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इन सबको मारने वाला हूँ। बट ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गया, इसलिए यहाँ पर ये चलेगी बाजूका। एक और रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर फिलहाल ये RPG नहीं है ये बाजूका है, तो इन लोग को ना थोड़ा डर के रहना चाहिए। यहाँ पर एक बंदा और बचा है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर काफी सारे बंदों को तो मैंने बाजूका से जला के मार दिया है और बेचारे चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के मरे हैं। अभी फिलहाल इस बंदे को भी यहाँ पर मैं मारता हूँ, मेरे पास ना अभी ज्यादा एमो नहीं है और इसकी एमो इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती है। लेस्टर ने स्पेशल कहा था कि बस 10 ही गोलियां तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि भाई इतनी ज्यादा आसानी से वो मिलते नहीं है। बाकी ऊपर भी एक बंदा निकल यहाँ से, अभी इसको तो मैंने यहाँ पर गिरा दिया, इसको नीचे फेंकना पड़ेगा। बाकी एक मिनट यार अंदर ओके, तो यहाँ से वो बंदा मार रहा है, देखो कहाँ से छुप के मार रहा है। अभी रुक जाओ यहाँ पर, ये निकलने दो बस इसे, इसकी खोपड़ी तोड़ डालूंगा अगर इस बार निकला तो। आजा बेटा आजा, ग्रेनेड मत डाल दियो भाई, इसकी सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं है, बच गया। अब रुक जाओ बेटा वहीं आके मैं तेरे को मारूंगा, यहाँ पर बड़ी बहुत देर से चौड़ा हो रहा है। ओके एक और बार बच गया, तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी बट अच्छी है नहीं। फिलहाल एक बंदा हो रहा है, इसको भी मारते हैं। ओ भाई सब, तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो जो बंदे छत पर भी चढ़कर बैठे हुए थे उन सबको भी मैंने यहाँ पर मार दिया है, बट उसी का ना ज्यादा डैमेज नहीं है और इन लोग के पास बहुत तगड़ी शील्ड है। बाकी यार काफी सारे बंदे थे, अभी जल्दी से हमें वहां पर भी जाना है जहाँ पर डगन बॉस गया हुआ है। बट अभी एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि ना ही मेरे को यहाँ पर ट्रेवर नजर आ रहा है, ना ही यहाँ पर मेरे को ट्रेवर की बॉडी नजर आ रही है। भाई ये क्या सीन है, पूरी की पूरी लैम्बोर्गिनी उरुस जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है जो कि लामार की थी। बट अभी फिलहाल एक सेकंड गाइस, अभी मेरे दिमाग में कुछ एक मस्त आइडिया आया है, मतलब ये आइडिया नहीं है, मेरे को थोड़ा सा ना लग रहा है कि हो सकता है ट्रेवर को ना ये लोग उसी जगह पर ले गए हो जहाँ पर माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन की फैमिली इसको किडनैप करके ले गए थे। अभी एक बार ही ना मैं नीचे चलकर देखता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसी कुछ इनकी साजिश हो सकती है और इन्होंने ना ट्रेवर को पकड़ लिया होगा, तो ये लोग जितने भी बंदे को किडनैप करते हैं ना तो पकड़ कर वहीं पर ले जाते हैं। अब बेटा तेरी ऐसे बहुत देर से देख रहा हूँ, मारने की कोशिश कर रहा है, अब मार इधर आती
भाई भैंस के ना, अभी भी देखो कितना चोड़ा हो रहा है, गन गिर गई तो पिस्टल निकाल के मार रहा है, बट यहाँ पर भी फिलहाल इसका पूरा भूत बना डाला। अभी ना गाइस जल्दी से एक बार मैं नीचे चलता हूँ, वो जगह कहाँ पर थी, मैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ यार इसके घर में। तो हाँ गाइस यार याद आया, उस जगह की एंट्रेंस है फ्रिज से, तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं सीधा बेसमेंट में जाने के लिए। वैसे यार देखो जाने में को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि नीचे वो डॉग्स भी हो सकते हैं, बट हाँ जहाँ तक है तीन चार तो मैंने बेहोशी कर दिए थे। अभी फिलहाल हम लोग जल्दी से यहाँ पर अंदर चलते हैं। बाकी यार ये देखो यहीं पर ड्राइवर है, मेरे को पता था यहीं पर होगा, फिलहाल उसको इन लोगों ने लटका रखा था। अभी दोनों का यहाँ पर मैं पहले तो भूत बना देता हूँ। तो गाइस यार देखो ये दोनों लोग ना ड्राइवर को यहाँ पर पकड़ कर ले आए थे, वो शायद से ना उसको टॉर्चर करके पूछना चाह रहे थे आखिरकार तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी फिलहाल ना सबसे पहले तो उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, वो ड्राइवर को ना अभी नीचे उतारते हैं। भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, बेचारा आधा शरीर इसका जल पड़ा होगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर को मैंने ऊपर से नीचे उतार लिया, और इस टाइम पर ना गाइस यार इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और ये बिल्कुल भी इस टाइम पर चलने क्या उठने तक की हालत में नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे अपनी बैग पर रख लिया। और यार जाने से पहले ना यहाँ पर थोड़ी बहुत तबाही तो मैं करके ही जाऊंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जल्दी से मैं ड्राइवर को ऊपर लेकर चलता हूँ। बाकी तो यार देखो ड्राइवर ना देखने में एकदम पतला एकदम हल्का सा लगता है, बट ये उतना हल्का है नहीं जितना ये दिखता है। यहाँ पर माइकल की भी पूरी पूरी हालत खराब हो चुकी है इसे उठाकर ऊपर तक लाने में। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहाँ से मैं इसे बाहर लेकर निकलता हूँ। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर अभी और भी डगन बॉस के बंदे बचे हों, अगर वो होंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है होंगे नहीं, क्योंकि काफी सारे बंदों को तो मैंने मार ही दिया था। अभी जल्दी से ना ड्राइवर को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और यार अभी ना फिलहाल हमें ड्राइवर को हॉस्पिटल तक भी पहुँचाना है, और डगन बॉस को भी रोकना है स्टैचू दूसरी कंट्रीज ले जाकर बेचने से, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी तो यार यहाँ पर भागा भी नहीं जा रहा है, पता नहीं यार कितना ज्यादा इसका वेट है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए भाग रहा हूँ और यहाँ पर भैया थक ही जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जैसे जैसे करके मैं डगन बॉस के गैराज तक तो आ चुका हूँ। प्लीज यार बाहर कोई भी ना हो वरना सारा काम खराब हो जाएगा। उस तरफ में लिमोजिन है, बट लिमोजिन नहीं यार, बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। अभी कोई ढंग की गाड़ी यहाँ पर नहीं है क्या? पीछे की तरफ में यूएस खड़ी हुई है, तो मैं वो ले सकता हूँ या फिर एक बार ना अंदर चलकर देखता हूँ। तो ओके गाइस यार यहाँ पर एक हायाभूसा है, तो चलो यार अभी ना जल्दी से हायाभूसा पे बैठते हैं, बट उससे पहले मुझे ना ड्राइवर को भी सही तरीके से उतारना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने हायाभूसा छोड़ के ड्राइवर को ला करना, इधर एक बाइक और खड़ी हुई थी सैंचेस, इसके ऊपर मैंने इसे लेटा दिया है। अब यार देखो उस वाली बाइक के ऊपर मैंने इसे इसलिए लेटाया क्योंकि उसकी जो साइलेंसर है काफी ज्यादा बाहर निकल रहे थे, तो सीधी सी बात है अगर साइलेंसर पे ड्राइवर का हाथ लगेगा तो पूरा हाथ ही जल जाएगा। तो इसलिए यार सेफ्टी फर्स्ट, अभी ना जल्दी से मैं अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलता हूँ, और थोड़ा बहुत ना आराम आराम से संभाल के चलानी है। स्पीड जितनी मर्जी तेज दे दूं, बट हाँ जब भी मैं मोड़ूंगा तो एकदम आराम आराम से मोड़ूंगा, वरना ड्राइवर यहाँ से गिर सकता है। बाकी ना अभी फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो वरना डगन बॉस अपने हाथ से निकल जाएगा। तो चलो यार अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से अपनी बाइक को लेकर ना सबसे पहले एयरपोर्ट जाता हूँ। बट हाँ जहाँ तक मैं सोच रहा था कि पहले ना ड्राइवर को हॉस्पिटल छोड़ देते ज्यादा बेटर रहता, बट हाँ यार इस टाइम पर ना डगन बॉस को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से दोनों काम हमें जल्दी से जल्दी करने हैं, वरना यार फिर ड्राइवर की जो हालत है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। बट हाँ अभी ये जिंदा, अभी ये मरा नहीं है, अभी ठीक ठाक जाना है, बट हाँ ये चलने फिरने की हालत में नहीं है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूँ, बस मुझे थोड़ा सा आगे और जाना है एयरपोर्ट के लिए। अभी यार देखो दोनों काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डगन बॉस को भी जल्दी से जल्दी रोकना है और ड्राइवर को भी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। बट हाँ ड्राइवर तो थोड़ा बहुत लेट पहुंच भी सकता है, बट डगन बॉस यहाँ से निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अभी जल्दी से अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हूँ, बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को अपनी बाइक को राइट मोड़ना है। बाकी और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं इतनी ज्यादा तेज भगा रहा हूं, मुझे कोई भी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यहाँ के जो रोड है ना एकदम सीधे हैं, फुल हाईवे जैसे, तो यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा नहीं है। अभी जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ से मैं अंदर लेकर चलता हूँ। सर जल्दी से गेट खोलो, अच्छी बात तो है कि पहले से ही गेट खुला हुआ था। अभी फिलहाल मैंने देखा कि एक ना गोल्डन जेट शायद से लैंड हुआ है, एक सेकंड, वो गोल्डन जेट नहीं होगा, ओके वो ब्लैक जेट है। तो चलो अभी फिलहाल ये जेट डगन बॉस का तो नहीं है, क्या पता ये डगन बॉस के लिए आया हो। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक को आगे लेकर चलता हूँ, मुझे देखना आखिरकार ये जेट किसका है और उसके अंदर कौन है। अभी फिलहाल यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा, बट ये एक प्राइवेट जेट तो है पर पूरा का पूरा खाली है, तो मेरे हिसाब से ये तो वो जेट नहीं होगा जो डगन बॉस लेकर जाने वाला है। लेस्टर ने मुझे कहा था जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है और मैं पहुंच भी गया, बट अभी फिलहाल इतना बड़ा एयरपोर्ट है मैं कहां पर ढूंढूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। प्राइवेट हैंगर ये तो मेरा वाला है, इसके अंदर सीधी सी बात है कोई भी अपना प्लेन नहीं खड़ा करेगा, बाकी जो प्राइवेट हैंगर्स हैं वो सारे के सारे लॉक्ड हैं। तो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, और एक सेकंड लेफ्ट साइड में ना गाइस यार यहाँ पर कुछ प्लेन खड़े हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ना गाइस मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, पहले ना थोड़ा एयरलाइन से दूर हो जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जा रहा हूँ और इधर प्लेन ही आकर लैंड हो जाए। तो
अभी जल्दी से अपनी ना बाइक को आगे लेकर चलता हूँ। तो गाइस यार देखो, जिस गाड़ी में डगन बॉस निकला था वो सारी की सारी गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो चलो गाइस यार, फाइनली ये डगन बॉस हमारे हत्थे लगी गया। तो अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं काम करता हूँ, अपनी बाइक को ना यहीं पर खड़े करता हूँ और निकाल लेता हूँ जल्दी से अपनी बजूका। वैसे यार देखो, अभी ना फिलहाल मैं बजूका इस पर नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर इस पर मारा तो सीधी सी बात है वो जो स्टैचूज हैं वो सारे के सारे वो भी जल जाएंगे। और ये देखो भाई, सेम टू सेम बिग माफिया के भाई की तरह ये भी हमारी आंखों के आगे से निकल गया। भाई पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। अभी फिलहाल अगर मैं प्लेन लेके इसका पीछा करूंगा तो और भी ज्यादा लेट हो जाए, क्योंकि यार ये प्लेन है, कोई गाड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा तेज यहाँ से निकलने वाला है। मतलब कि यार थोड़ा सा और जल्दी आ जाते तो भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि यार हमें ना सारे बंदों को मारना था, उसके बाद स्टैचू भी लेने थे। तो भी फिलहाल दिक्कत हो गई है। अभी ना जल्दी से लेस्टर को एक बारी मैं कॉल कर देता हूँ कि सारा प्लान, सारा काम, सब कुछ खराब हो गया। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है। और गाइस लेस्टर को भी ना अभी अभी पता चला है, मतलब यार देखो, उसने ना एक अच्छी खबर सुनाई और एक बेकार खबर सुनाई है। तो अच्छी खबर ये है कि जो डगन बॉस है ना, वो स्टैचूज को लेकर दूसरी कंट्री में नहीं गया है। और बेकार खबर ये है कि वो ना उन स्टैचूज को यहाँ पर एक बहुत बड़े म्यूजियम में बेच कर चला गया है दूसरी कंट्री में उसकी पेमेंट लेने के लिए। अब यार लेस्टर कह रहा है कि वो जो स्टैचूज है हमें आज के आज ही चुराने हैं। अब ये जो काम है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना बड़ा म्यूजियम है ना कि उसके अंदर आज से पहले मैं भी कभी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चेकिंग होती है जाने से पहले। और सीधी सी बात है, हम लोग इतने बड़े गैंगस्टर हैं तो हमारी एंट्री तो है ही नहीं। तो अभी फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि हमें उसके अंदर जाकर वो चुरा के लाने ही लाने हैं, वो भी आज ही। तो ये जो काम है बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी फिलहाल ना सबसे पहले ट्रेवर को मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूं, उसके बाद फ्री होकर लेस्टर को एक बार कॉल करूंगा। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 900,000 लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मेरे से बात करने के लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।